आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से टोस्ट, वो भी बचे हुए कबाब के मिक्सचर से। उसके लिए सबसे पहले मैंने ब्रेड लिए हैं, ब्रेड के दो स्लाइसेस लिए हैं। उसके ऊपर अब हम जो कबाब का मिक्सचर बच जाता है उसको हम रखेंगे। दोनों ब्रेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा मिक्सचर रखेंगे और अच्छे से ब्रेड के स्लाइस के ऊपर फैला लेंगे। इस तरीके से दबा दबा के हम अच्छे से फैला लेंगे। दोनों ब्रेड पे फैला लिया है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। उसके लिए रखा है मैंने एक तवा और उस पे डालेंगे थोड़ा सा बटर। बटर मेल्ट होने के बाद जिस तरफ से हमने ब्रेड के ऊपर मिक्सचर लगाया था कबाब का, उसके ऊपर रख देंगे कबाब की तरफ से। इस तरीके से आप देख सकते हैं, उसके ऊपर से ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी हम बटर लगाएंगे थोड़ा सा। दोनों ब्रेड पे मैंने बटर लगा दिया है, अब हम इसको अच्छे से फ्लिप कर लेंगे। इस तरीके से मैंने पलट लिया है, दोनों ब्रेड को मैंने पलट लिया है। अब इसको ब्रेड की स्लाइस की तरफ से भी क्रिस्पी होने तक इसको सेक लेंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम क्रीम चीज़। दोनों पे मैंने क्रीम चीज़ लगा ली है, अब इसको भी हम स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर एक और ब्रेड का मैंने टोस्ट बना के रखा था, इसके ऊपर रख देंगे। दोनों ब्रेड पे मैंने एक एक रख दिया है, अब इसको हम काट लेंगे बीच में से। इस तरीके से मैंने काट लिया है। बन के तैयार है हमारे मज़ेदार से बचे हुए कबाब के टोस्ट। इसको हम केचप के साथ सर्व करेंगे।